8 साल पुराने दहेज के मामले में 4 लोगों को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि अभियुक्त 5 थे, 1 की मौत हो गई थी। तमाम साक्ष्यों के सुनवाई के बाद आज ये रीवा का फैसला आया है। सिटी कोतवाली अंतर्गत का ये मामला था। 8 साल पुराने दहेज के मामले में आज रीवा जिला न्यायालय का एक फैसला आया है। फैसले में 4 लोगों को 10 साल कारावास सहित अन्य धाराओं में सजा सुनाई गई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता सरिता सिंह सेंगर ने हमको पूरे मामले के बारे में विधिवत जानकारी दी। उनका कहना था, गोप स्वीट्स में ये लड़का काम करता था, अपनी पत्नी को दहेज को लेकर मारता पीटता था, इसमें उसका पूरा परिवार शामिल रहा करता था। महिला ने आत्महत्या की या उसको मारकर फांसी पर लटकाया गया था, ये पुलिस की जांच का विषय था। तमाम साक्ष्यों के सुनवाई के बाद आज जिला न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा, पूरा परिवार दहेज को लेकर महिला के साथ आए दिन प्रताड़ना देता था, इसी वजह से उसने फांसी लगाई या उसको फांसी के बाद लटका दिया गया था, ये एक अलग बात थी। लेकिन महिला के पूरे शरीर में घाव के निशान थे, जिसकी जांच के बाद निकल कर ये तथ्य भी सामने आए थे। तमाम साक्ष्यों गवाहों के बयान के बाद ये फैसला आया है। सुनिए सरिता सिंह सेंगर मामले को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं। जी, आज कोर्ट ने 10 साल बाद एक फैसला सुनाया है जी, उसके बारे में बताइए कुछ। उसमें ऐसा है सर कि ये दिनांक 13/6/2015 की घटना है। एक गोप स्वीट्स में राजकुमार प्रधान नाम का एक लड़का काम करता था, ये उपरहटी का रहने वाला है। और इसने क्या किया कि इसने अपनी सिटी कोतवाली में इसने रिपोर्ट लिखाई कि मैं जब घर गया करीब 12-15 बजे, तो मेरी पत्नी का उस कहना था कि दरवाजा खटखटाया और दरवाजा नहीं खोली। जब मैंने दरवाजा में खिड़की से झांक कर देखा तो वो फंदे में लटक रही थी। ऐसा करके उसने रिपोर्ट लिखाई। सिटी कोतवाली थाना की पुलिस ने मर्ग पर कायमी करके और उसकी जांच की। जांच के दौरान ये पाया गया कि मृतका जो है रीना प्रधान, तो मृतका जो है उसकी शादी जो है 7 साल के अंदर की थी। और मृतका के जो माता पिता भाई सभी के बयान लिए गए, उनने ये बताया कि चूंकि मेरी बच्ची की से वो ससुराल वाले सास ससुर और जेठ सभी लोग दहेज की मांग करते थे, जबकि उसने शादी में भी उनने बताया कि शादी में उनने पर्याप्त दहेज दिया हुआ था। 2.5 लाख रुपए उनने नगद दिया था, 1-1 लाख रुपए नगद दिया था, इस तरह करके उनने शादी में भी दिया था और बाकी गहने जेवर वो अलग से दिया था। उसके बाद ये लोग बाद में दहेज की मांग करते रहे, तो 2 बार उसने जो उसके पिता है सुनील केशरवानी, उनने बच्ची को ये लोग मारपीट करके प्रताड़ित करते थे, तो उनने 2 बार भी उनको और पैसे दिया, 1 बार 80,000 रुपए दिया और 1 बार 21,000 रुपए दिया। लेकिन इन लोगों की मांग बढ़ती गई और उसको मारपीट कर प्रताड़ित करते रहे। वो फोन से हमेशा बताती रही कि मेरे को मारपीट करते हैं और दहेज की मांग करते हैं। तो इन सब बातों का सारे उनके घर वालों के बयान लिए गए, बयान के आधार पे ये सही पाया गया कि वास्तव में ये लोग दान दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करते थे और प्रताड़ित करने के बाद ही फांसी में वो लटकी, खुद लटकी या इनने मार के वो किया, वो जांच का विषय था। जांच के दौरान ये पाया गया कि उसमें जब पुलिस ने विवेचना की, विवेचना के बाद चालान माननीय न्यायालय में पेश हुआ और श्रीमान सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान आनंद गौतम साहब के यहाँ विचारण चला। विचारण में सारे साक्षियों की गवाहियां की गई, लगभग 12 साक्षियों के कथन लिए गए
और कथन के दौरान यह पाया गया कि सारे मतलब जो रिश्तेदार थे उनके बयानों में ये चीज आई कि इनने दहेज की मांग की और दहेज की मांग के लिए उसको प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आई है वो ये आई कि जो डॉक्टर का बयान आया है, जो डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव जिनका बयान आया सारे गवाहों के बाद, जो डॉक्टर का महत्वपूर्ण बयान है वो उसमें मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी कि जो मृतिका के जो शव था उसमें मृतिका के बाएं तरफ के कंधे में 5x2 सेंटीमीटर की नीलगू गहरी चोट थी, नीले रंग की, और मृतिका के गले में 11.5 इंच का लिगेचर मार्क भी मौजूद था। कुल मिला के जो चोटें थी उसकी वो मृत्यु पूर्व की थी, मतलब उसके गले में भी चोट थी, कंधे में भी चोट थी। तो ऐसी स्थिति में जो चोटें थी वो मृत्यु के पूर्व की थी, मृत्यु के पूर्व की थी, तो इसका मतलब उसके साथ मारपीट हुई थी, और मारपीट जब हुई तभी उसने फांसी लगाई या इन लोगों ने फांसी पे लटकाया। तो मारपीट इसका मतलब इनने दहेज के लिए प्रताड़ित किया और उसको मारपीट कर इनने फांसी पे लटका दिया, या ये चीजें आई कि उसने आत्महत्या की क्योंकि उसकी मृत्यु जो हुई वो ठीक है सांस के अवरुद्ध होने से हुई, लेकिन मारपीट उसकी पहले हुई थी, इसका मतलब मारपीट हुई इसकी वजह से उसने ग्लानिवश आत्महत्या कर ली। तो इनको जो साक्ष्य में प्रमाणित पाए गए अभियोजन, चूंकि साक्ष्य के दौरान जो भी चीजें प्रमाणित पाई गई उनमें 498A भारतीय दंड विधान के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया और 50 रुपए का जुर्माना और 9 माह का कठोर कारावास। दूसरी 304B, जो 304B महत्वपूर्ण धारा है इसमें 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है और 40 माह का कठोर कारावास 304B में, 3/4 दहेज अधिनियम में 2 वर्ष का साधारण कारावास भुगताया गया है। ये सभी धाराएं साथ साथ भुगताई जाएंगी। कुल मिला के 304B की जो महत्वपूर्ण धारा है जो दहेज के लिए प्रताड़ित करके उसकी हत्या की गई या उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया जिससे उसने आत्महत्या की, 304B के तहत आता और 304B पाया गया क्योंकि उसकी चोटें भी थी, मारपीट भी हुई, दहेज की सारी बातें आई, उनने कितनी कितनी बार दहेज दिया ये सारे बयानों में आया हुआ और बाद में भी उनने दहेज दिया। ऐसी स्थिति में इसमें कुल जो अभियुक्त थे इसमें 4 लोगों को सजा हुई, 5 अभियुक्त जो मृतिका रीना के ससुर थे वो जो पति है राजकुमार प्रधान उसको सजा हुई, श्रीमती शकुंतला प्रधान जो सास है और सूरज प्रधान जो उसका जेठ है, सतीश प्रधान जो उसका जेठ है, राजेंद्र प्रसाद प्रधान जो ससुर थे वो भी घटना में शामिल थे, घटना में शामिल पाए गए थे, वो पहले मृत हो गए थे, वो फौत हो गए थे, उनकी मृत्यु रिपोर्ट आ गई थी, तो 5 थे लेकिन उनकी मृत्यु हो गई इसलिए इनको 4 को 10 वर्ष की कठोर कारावास से दंडित किया गया है। माननीय जो फैसला सुनाया गया है श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान आनंद गौतम साहब हैं जो इनका जितने भी फैसले आते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके जितने भी फैसले अभी रीवा न्यायालय में आने के बाद आए हैं सब एक से एक और मतलब बारीकी से बारीकी गवाहियों की बारीकियों को पकड़ के और उसको छानने के बाद ही उनका फैसला आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, पढ़ने लायक फैसला होता है।